महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, गलत फहमी, इसमें इतनी नकारात्मक शक्ति होती है कि चाहे रिश्ता कितने ही विश्वास पर कायम क्यों न हो, उसको भी ये कुछ ही पलों में तोड़ने का कार्य कर सकती है। पॉजिटिव एनर्जी से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा स्ट्रेंथ से ज़्यादा गंभीरता से कार्य करती है, ऐसा कुदरत का नियम है। साथियों, आज मंगल दोष के बारे में हम एक ऐसी ही स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कब ये स्थिति पति और पत्नी के बीच में गलतफहमी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें, इससे पहले दो बेहद ज़रूरी सूचनाएं। सबसे पहली कि एक तो हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें, उससे पहले हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इसी स्वरूप में आपको लिखना है, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित होगा, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिख करके भेजिए। दूसरी सूचना कि हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक दर्शकों की समस्याओं का समाधान करें, और इसी उद्देश्य से हम अब प्रति माह जो अंतिम रविवार होगा उस दिन दोपहर 12:15 बजे के लगभग लाइव आपके समक्ष आएंगे। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और कोई एक प्रश्न कमेंट के माध्यम से, आपको फोन नहीं करना है, कमेंट में से ही हम चुनेंगे और उसी कार्यक्रम के दौरान उसके जवाब भी आपको देंगे। साथियों, मंगल पर यह श्रृंखला जारी है, और मंगल किस प्रकार से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को सुखद भी बना सकता है तो दुखद भी बना सकता है, ऐसे कई अनुभव हमने आपके साथ में शेयर भी किए। यदि आप जानना चाहते हैं विस्तार से तो यहाँ पर आई बटन में हमने उसका भी लिंक दिया है, तो आप इस एपिसोड से पहले यदि उनको देखोगे तो हो सकता है कि आपके ज्ञानवर्धन में बहुत आसानी हो। साथियों, बात कर रहे थे हम गलतफहमी के बारे में। मंगल कब ये भूमिका अदा करता है, उससे पहले एक छोटा सा उदाहरण। जब हम ये एपिसोड पर रिसर्च शोध कर रहे थे, उसी दरमियान इसी कुंडली से मिलता जुलता एक वाकया सामने आया। नई नई शादी एक लड़के और लड़की की हुई थी, कोई समस्या उनके बीच में नहीं थी। एक ही उन्होंने गलती करी थी कि बिना कुंडली मिलाए उन्होंने विवाह किया था, तो इसका नतीजा तो उनको भुगतना ही था, आज नहीं तो कल, परंतु उनको इतना जल्दी भुगतना पड़ेगा इसका अंदाजा नहीं था। साथियों, आप जान रहे हैं कि अभी भी कोरोना का संकट पूरी तरह से टला नहीं है और वर्क फ्रॉम होम अभी भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में रात्रि के दौरान, क्योंकि जो टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड के जो लोग हैं, जो ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, तो भारत के हिसाब से उनको रात्रि में जाग करके कार्य अपने लैपटॉप पर करना पड़ता है। खैर, तो इसी दरमियान बेडरूम की ये घटना है, बेडरूम में ही वो व्यक्ति काम कर रहा था। उनका जो मोबाइल फोन है वो किसी कारणवश स्विच ऑफ हो गया, तो उन्होंने अपनी पत्नी का मोबाइल उठाया और उसको उन्होंने देखा कि कितना समय है। उस समय को देखने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन उठाया था। इतनी देर में पत्नी की आंख खुल गई और पत्नी ने देखा कि जो पति है ये मेरे ऊपर शक कर रहा है। जब मैं सो जाती हूं तो ये मेरा मोबाइल फोन चेक करता है, मेरे चैट्स चेक करता है। ऐसी कई प्रकार की गलतफहमियां उसके दिमाग में आई। खैर, ये पहली घटना थी तो उसने इसको गंभीरता से तो लिया, परंतु इतना गंभीरता से नहीं लिया। अब मंगल कैसे उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहा है, पति की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, किसी प्रकार का शक नहीं था, सिर्फ समय देखने के उद्देश्य से लिया था, परंतु उसी वक्त
आंख का खुलना और ये घटना घटित होना। खैर, इसके 2-3 दिन के बाद ही फिर यही स्थिति थी, और इस बार कारण जो था वो कोई दूसरा था, समय देखने का उद्देश्य नहीं था। जो इंटरनेट के, आपको पता है कि कभी किसी की स्पीड आती है नहीं आती है, तो उन्होंने देखा कि मेरे मोबाइल में अगर स्पीड नहीं आ रही है तो मैं पत्नी के मोबाइल से एक चेक कर लेता हूँ। जो भी उन्होंने गूगल पर चेक करने का प्रयास किया, ऐसा उन्होंने, क्योंकि उनकी सत्यता पर किसी प्रकार का संशय नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं उनकी कुंडली का विश्लेषण किया। अब द्वितीय बार भी यही घटना हुई, उनके हाथ में पत्नी का मोबाइल फोन, और कुछ समय बाद ही पत्नी का जागना, और फिर झगड़ा जो शुरू हुआ वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों और कब होता है, आइए जानते हैं हम जन्म कुंडली के माध्यम से। साथियों, ये आप स्क्रीन पर जो जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है। बात करेंगे द्वितीय भाव की। यदि द्वितीय भाव कुटुंब भाव में मंगल देव विराजमान हो जाए तो ये यहां पर भी मंगल की कैटेगरी में ही आता है, इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। यहां चूंकि ये धन भाव है, कुटुंब भाव है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव इसी स्थिति को करता है। द्वितीय जो भाव है वो वाणी का भी अधिपति भाव है। ऐसे में होता क्या है कि आप कहना कुछ चाहते हैं और जीवन साथी समझता कुछ और है। ये मुखाकृति का अर्थात तो एक्सप्रेशंस का भी भाव है। आपके मन में कुछ चल रहा है, एक्सप्रेशन उसके अनुकूल नहीं है, और आपका जो जीवन साथी है वो ये समझता है और वो ये कह भी देता है कि आपने इस प्रकार के एक्सप्रेशन दिए, और ये एक्सप्रेशन ही आगे चल के गलतफहमी की दीवार को खड़ा कर देते हैं। चूंकि ये कुटुंब भाव भी है, इसलिए जो जीवन साथी है उसका आपके परिवार से, मतलब आपके जीवन साथी का आपके परिवार से, कुटुंब से किसी न किसी प्रकार की गलतफहमी होती है। एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, सिर्फ गलत फहमियाँ ही होती हैं। चूंकि यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, तो यदि ये स्त्री की जन्म पत्रिका होगी तो इनको गर्भपात का भी सामना करना पड़ सकता है, और संतान को लेकर के भी पति पत्नी के बीच में अनबन गलत फहमी की दीवार को खड़ा कर देती है। यहाँ पर बैठे हुए मंगलदेव अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव जो कि स्वास्थ्य का भाव होता है। ऐसा जो मंगल है वो विवाह के बाद में जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट जरूर देखने को यहां पर स्पष्ट रूप से मिलती है। साथियों, बात हमने आज गलतफहमी की, बात हमने आज मंगल की। ऐसी ही स्थिति कि एक पतिदेव जो कि बहुत ही अंतर्मुखी इंट्रोवर्ड व्यक्ति है, वो वैसे भी बहुत ही कम लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, और जब वो किसी से भी बात नहीं करते तो जाहिर सी बात है कि वो अपने ससुराल से अर्थात अपनी पत्नी के माता पिता से भी उतनी बात नहीं करते, और पत्नी को भी ऐसा लगने लगा कि ये मेरे माता पिता का बिल्कुल आदर नहीं करते, उनसे बातचीत ही नहीं करते। और ऐसी ही गलतफहमी आगे चल करके, देखिए ये सारी जो गलतफहमियां हैं ये बीज का कार्य करती है। अब वो कब बीज अंकुरित तो होकर के वट वृक्ष का रूप धारण कर ले, ऐसी गलती आप न करें। गलतफहमी जब पैदा होती है तो उसको तुरंत बातचीत के द्वारा हल करें, और इससे भी सही समाधान है कि आप कुंडली मिलान करके विवाह करें। साथियों, इसी गलतफहमी पर एक मंत्र द्वितीय भावस्थ मंगल का हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है, जो कि इस प्रकार है। भवेतस्य किम विद्यमाने कुटुंबे धने वा कुजे तस्य लब्धे धने किम यथा त्रोट्येत मर्कट कंठहारम पुनः सम्मुखम को भवेद्वाद मग्न। यहां पर बात द्वितीयस्थ मंगल के बारे में ही की गई है, और मंत्र में स्पष्ट कहा है कि द्वितीयस्थ मंगल जो है वो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब तो करता ही है, जीवन साथी के कुटुंब से आपकी गलतफहमी भी क्रिएट करता है, और ये ठीक ऐसी ही स्थिति पैदा करता है कि जो बंदर है, अगर उस बंदर को आप बहुमूल्य हीरे मोती की माला पहना दो तो
तो वो उस माला का मूल्य नहीं जानता है, वो उसको छिन्न भिन्न कर देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है वो रिश्तों की अहमियत नहीं समझता, वो रिश्तों को ऐसे ही जैसे कि उस नासमझ बंदर ने बहुमूल्य माला को तोड़ डाला, रिश्तों की मालाओं को भी ऐसा व्यक्ति तोड़ डालता है। और जब समय गुजर जाता है तब केवल पछतावे के अलावा उसके पास में कुछ भी नहीं रहता है। तो साथियों, आप ऐसी गलती न करें और मंगल को बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज न करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है भाविका राठी जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नवसारी गुजरात से। भाविका जी, आपने पूछा है कि क्या विदेश स्थित किसी व्यक्ति से आपका विवाह होगा, या मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो क्या आप विवाह के पश्चात विदेश जा पाएंगी? तो इसका उत्तर है हाँ। कारण यह है कि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश और द्वादशेश दोनों ही बनते हैं शुक्र, और शुक्र आपके भाग्य स्थान पर है। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर आपको यहाँ पर और लगभग 6 महीने का करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आपके विवाह का योग निर्मित हो रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने मंगल की चर्चा की, मंगल के किस भाव में स्थित होने की चर्चा की है, उस भाव का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।